हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन से इज डी एन ए ऑफ एस्चेरिया ईकोलाई एस्चेरिया कोलाई इज़ हैवी तो यहाँ पर बोला गया है जो डी एन ए है एस्चेरिया कोलाई का यानी कि ई कोलाई का वो हैवी है और उसको हमने लेबल किससे करा है फिफ्टीन एन से लेबल करा है एंड इज नाउ अलाउड टू डुप्लीकेट इन मीडियम कंटेनिंग फोटीन एन इन द फर्स्ट जनरेशन द टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास जो इकोलाई e. का हैवी डीएनए था उसको हमने लेबल करा फिफ्टीन एन से और फिर उसे डुप्लीकेट होने दिया फोर्टीन एन में तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ डॉटर डी एन वो हमको कैसे मिलेंगे तो बेसिकली यहाँ किसकी बात हो रही है यहाँ पर आपके मेसेल्सन एन स्टार्क एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है एस एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट तो पहले क्या था हमारे पास हमारे पास इकोलाई का हैवी यानी कि एन फिफ्टीन लेबल्ड डी एन ए था तो डी एन ए कुछ इस तरीके का था पेरेंट डी एन ए ये कैसा था एन फिफ्टीन लेबल्ड डी एन ए अब इसको जब हमने रेप्लिकेट होने दिया इसको जब हमने रेप्लिकेट होने दिया किस में एन फोटीन एन में तो ये किस तरीके का बना तो डॉटर स्ट्रैंड्स कुछ इस तरीके के आए अब हमसे ये पूछा गया ये डॉटर स्ट्रैंड किस तरीके के बन गए यहाँ पर ये फोर्टीन एन है और ये वाले स्ट्रैंड जो हैं वो फिफ्टीन एन के हैं फिफ्टीन एन वाले पेरेंट स्ट्रैंड हैं और फोर्टीन एन वाले आपके डॉटर स्ट्रैंड हैं यानी कि न्यूली सिंथसाइज स्ट्रैंड अब हमें बताना है यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सही तो जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स थे वो उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है हैव सेम डेंसिटी बट डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स तो बच्चों बिल्कुल सही बात है दोनों की डेंसिटी सेम है बट अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं तो ये पेरेंट्स से अलग है ना पेरेंट पेरेंट डीएनए अलग तरीके का दिख रहा था डॉटर डीएनए अलग तरीके के दिख रहे हैं बिल्कुल सही दिया हुआ यहाँ पर हैव डिफरेंट डेंसिटीज़ तो बच्चों दोनों में डेंसिटी अलग नहीं है दोनों में एक ही जैसी डेंसिटी है इसमें भी एंड फिफ्टी है तो मतलब सॉरी इसमें भी फिफ्टी नाइन है और इसमें भी फोटी नाइन है इक्वल अमाउंट में तो डेंसिटीज़ दोनों की सेम है तो ये गलत दिया हुआ हैव डिफरेंट डेंसिटीज़ तो मैंने अभी बताया डिफरेंट डेंसिटीज़ नहीं होंगी ये भी गलत है हैव सेम डेंसिटी एंड रिजेंबल देयर पेरेंट तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपने पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है वो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होप आप लोगों को ये सल्यूशन समझ में आया हो बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट